जिला बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों पर जमकर बरसे मेघ। कुमारवी स्वारघाट विश्व विख्यात शक्ति पीठ श्री नैना देवी में तूफान और तेज बारिश के कारण लोगों ने राहत की सांस ली। प्रचंड गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ पूरी तरह कूल। कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों ने भी ली राहत की सांस। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जिला बिलासपुर में गर्मी से लोग बेहाल थे, लेकिन आज हुई तेज बरसात और तूफान से गर्मी के इस मौसम में सर्दी का एहसास हो गया है और मौसम पूरी तरह से सुहावना हो गया है। और जिससे गर्मी में बहुत राहत मिली है और बरसात इतनी तेज थी कि हमें दुकानें बंद करने के लिए भी समय नहीं मिला। हिमाचल में मॉनसून आने से पहले ही बादल फटने शुरू हो गए हैं। चंबा जिले के महला विकासखंड के तहत जांगी पंचायत में बुधवार शाम को बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से नाले में आई बाढ़ से गांव के करीब आधा दर्जन घरों में मलबा घुस गया है। एक दर्जन किसानों के खेत बह गए हैं। नाले की बाढ़ के साथ आए मलबे से पठानकोट भरमौर हाईवे बंद हो गया है। खतरे को देखते हुए दो परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बुधवार शाम करीब 5 बजे पहाड़ पर बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। जांगी स्कूल का परिसर मलबे से भर गया। सोबिया राम और सोनू की दुकान में बाढ़ का पानी घुस गया। तहसीलदार चंबा पवन ठाकुर ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मंडी जिला में जून की तपतपाती गर्मी के बीच मंगलवार शाम से मौसम ने लोगों को राहत प्रदान की। मंडी जिला के कई स्थानों पर मंगलवार शाम से बारिश और बौछारों का दौर शुरू हो गया था, जो कि बुधवार सुबह तक जारी रहा। बुधवार को आसमान में काले बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं भी चली। ज्येष्ठ माह की तपतपाती गर्मी से लोगों को इससे निजात मिली है। रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर बुधवार भी जारी रहा। इससे मौसम में ठंडक का एहसास लोगों को हो रहा था और मौसम भी बारिश गिरने के बाद सुहाना हो गया। मंडी के लोगों को बारिश होने से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं यहां किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों के अनुसार अभी मक्की और धान की बिजाई का कार्य होना है, जो कि पर्याप्त बारिश न होने के कारण आज तक संभव नहीं हो पाया है। ऐसे में किसानों के लिए अभी बारिश का होना आसमान से अमृत बरसने जैसा है। वहीं कुछ लोगों का मत ये भी है कि कुछ देवी देवताओं के रुष्ट होने के कारण सभी स्थानों पर बारिश नहीं हो रही थी, जिसके चलते अब शुरू हुई है। बारिश को लोग देवताओं का आशीर्वाद मान रहे हैं। मंडी में बारिश होने से मौसम अब सुहाना होने लगा है और जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बना है, उससे आने वाले समय में ज़्यादा बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में वन संपदा को सबसे अधिक नुकसान आगजनी की घटनाओं से हो रहा है। इनमें कुछ प्राकृतिक और अधिकतर घटनाएं लोगों द्वारा आग लगाने से पेश आ रही हैं। आने वाले समय में आग लगाने वालों की सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने का प्रावधान भी किया जा रहा है और उसका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। इस बात का खुलासा वन परिवहन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने रामपुर और सराहन दौरे के दौरान एक होटल के उद्घाटन के अवसर पर कहे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पहले चरण में मनाली धर्मशाला में परिवहन निगम इलेक्ट्रिकल बसों का प्रयोग कर रहा है। आने वाले समय में हर जिला मुख्यालय में इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनों की बढ़ती हुई आगजनी की घटनाओं के कारण वनों को भारी नुकसान पहुंचा है। संवेदनशील क्षेत्रों में छोटे छोटे पेट्रोलिंग ग्रुप तैनात किए गए हैं, जो सारी सुविधाओं से लैस होंगे। उन्होंने पहले जंगलों में आग बुझाने के प्रयासों के लिए बजट नहीं होता था, लेकिन अब 1 करोड़ रुपये का स्टेट एवं 1.5 करोड़ का बजट कैंपा के द्वारा रखा गया है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक प्रदेश में आगजनी की 523 घटनाएं पेश आई हैं, जिससे करीब 50 लाख रुपए की क्षति वनों को पहुंची है। उन्होंने बताया कि कई लोग निजी स्वार्थ के लिए जानबूझकर वनों को आग के हवाले कर रहे हैं।
सरकार ने ऐसे लोगों की सूचना देने वालों का नाम गुप्त रख के उन्हें उचित इनाम देने की योजना भी बनाई है। वहीं गोविंद ठाकुर ने बताया कि सरकार प्रदेश में बढ़ते हुए वाहन प्रदूषण के मद्देनजर अपने परिवहन बेड़े में इलेक्ट्रिकल बसों को तरजीह देने जा रही है, जिसके तहत इस समय 25 बसें कुल्लू मनाली में और 30 के करीब बसें शिमला में चल रही हैं तथा 30 और नई बसें आने वाली हैं। मनाली, शिमला व धर्मशाला के बाद हर जिला मुख्यालय में इलेक्ट्रिकल बसें चलाने का विचार भी प्रदेश सरकार कर रही है। इन बसों के चार्ज के लिए स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ये क्षेत्र पर्यटन की दिशा में तेजी से बढ़ते कदम बढ़ा रहा है। युवाओं को भी रोजगार के द्वार खुलेंगे। सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है।